अमेजोन पे पूरे 24 घंटे सिर्फ 100 रुपए में। लेट्स डू इट। तो गाइस आज मैंने चैलेंज लिया है अपने अगले 24 घंटे इस रेलवे स्टेशन पर बिताने का, वो भी सिर्फ 100 रुपए के साथ। तो अगले 24 घंटे मुझे खाना पीना नहाना धोना सोना सब इसी रेलवे स्टेशन पर ही करना होगा। तो देखते हैं कि कितना मुश्किल होने वाला है मेरा आज का ये दिन और मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं अपने लिए एक प्लेटफॉर्म टिकट लेने, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के हम लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, स्टेशन पे नहीं जा सकते। और एक और बात गाइस, जो हमारे प्लेटफॉर्म टिकट के पैसे है वो हमें हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट को हर 2 घंटे पे रिन्यूअल कराना पड़ता है। और अगर मैं अपने बजट से खर्चा करूंगी तो मेरा बजट पूरा हिल जाएगा। सो लेट्स गो। और फिर हम भी लग गए औरों की तरह टिकट लाइन में, ताकि से हम भी अपनी मंजिल की तरफ जल्दी से पहुंच पाए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे हर बंदे की एक अलग कहानी है। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, तो कोई टाइम फिर हमने सो रखा है। और लेकिन यहाँ की जो एक महक है ना, वो मेरी नाक के और दिमाग पे भी चढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अजीब सी और बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। बट ठीक है, पर हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे 24 घंटे कैसे सर्वाइव करते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। तो यार सुबह सुबह का टाइम था, तो हमने सोचा रेलवे स्टेशन को थोड़ा और समझा जाए, पर समझने के लिए पेट में कुछ होना भी तो चाहिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम सुबह घर से जल्दी आ गए थे, तो मैं कुछ खा के भी नहीं आई थी, तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। और अब टाइम है हमारे ब्रेकफास्ट का, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि 100 रुपए में मुझे क्या हेल्दी खाने को मिल सकता है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, और जो मुझे 100 रुपए के अंदर अंदर मिल जाए और मेरा बजट भी ना हिले। लेट्स गो। और फिर हम निकले ब्रेकफास्ट की तलाश में। और समोसा 20 के 2। सस्ता क्या है, उठाता है ये, बिक गई है गवर्नमेंट। तो गाइस 10 रुपए में बिस्किट आ रहा है, अभी सुबह सुबह हो रही है तो हम बिस्किट से काम चला सकते हैं। चाय होगी आपके पास है? ठीक है, एक चाय भी दे दो। तो गाइस अभी मुझे ब्रेकफास्ट में बिस्किट और चाय से काम चलाना पड़ रहा है, जो कि मुझे 20 रुपए में मिल गया है। और इससे सस्ता यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बहुत महंगा है। बिस्किट मुझे बहुत कम पसंद है, बट रेलवे स्टेशन पे गुजारा करना है तो काम चलाना पड़ेगा। चाय देखते हैं कैसी है। जैसी चाय मैं पीना पसंद करती हूँ या घर पे मैं पीती हूँ, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। बट ठीक है, अब ये मिल रहा है तो मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इस चैलेंज में कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार चाय बिस्कुट तो हमने लपेट लिया, पर फिर दिमाग में आया कि अब आगे क्या करना है। हमने सोचा छोड़ो, क्यों ना प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों से ही पूछे कि अब आगे क्या किया जाए। तो आप कितनी देर से वेट कर रहे हो? मेरे को लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे। और कितनी देर और रहने वाले हो? अभी तो मेरे को लगभग 3 घंटे रहना पड़ेगा। 3 घंटे? तो आप यहाँ पे अपना टाइम पास कैसे करोगे, क्योंकि मुझे 24 घंटे यहाँ पे रहना है, ठीक है, यहाँ सर्वाइव करना है, बिताना है। yes. तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकती हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, या मैं कैसे अपना टाइम पास करूँ, कुछ आइडिया दो। आपको ट्रेवलर बैठे हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, अपने बारे में उनको बता सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपका टाइम जो टाइम पास हो जाएगा मेरा। कितनी देर से स्टेशन पे बैठे हुए हो? अभी तो फिलहाल 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो भैया मेरा जो है एक चैलेंज चल रहा है, मुझे 24 घंटे यहाँ बिताने हैं रेलवे स्टेशन पे और सर्वाइव करना है, तो मैं अपने टाइम पास के लिए क्या करूँ? बैठो आराम से, तो बहुत टाइम है ना, तो मुझे वही, तो मेरे को कुछ आइडिया दो, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आइडिया ये, वीडियो बनाओ बस। तो यार इनके ज्ञान सागर से तो मेरी जिंदगी बिल्कुल धन्य हो गई। तो गाइस हमें यहाँ पे अपने पूरे 24 घंटे बिताने, तो मैं आई हूँ अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपना ये बैग पूरा पैक करके। इसमें मेरी जरूरत का थोड़ा बहुत सामान है, कि जैसे कि चादर, तकिया, मेरे पानी की बॉटल, मेरा मेकअप और भी बहुत कुछ। तो गाइस अब भी बज रहे दोपहर के 2:30 और हाफ टाइम है हमारे लंच का, और हमारे पास बचे एज यूजुअल सिर्फ 80 रुपए, और हमें 80 रुपए में कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिससे हमारा शाम तक के लिए पेट भी भर जाए और हमारे पास थोड़े पैसे बच भी जाए डिनर के लिए। तो चलो कुछ ढूंढते हैं अपने लिए 80 रुपए में, हमें पता नहीं क्या ही मिलेगा, वो भी रेलवे स्टेशन पे। तो यार खाने की तलाश हमारी जारी थी, पर मजाल है कि हमें कुछ ढंग का मिल जाए। मिला तो मिला क्या, ये 2 समोसे
तो गाइस लंच के लिए हमको दाल चावल राजमा चावल ऐसा कुछ भी पूरे स्टेशन पे कहीं भी नहीं मिला, तो मजबूरी में मैंने खरीदा है ये चाय और ये दो समोसे और इन्हीं से मुझे अपना लंच करना पड़ेगा और काम चलाना पड़ेगा, जिसमें मेरे गए हैं पूरे 30 रुपये और मेरे पास बचे हैं अब सिर्फ 50 रुपये। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि 30 रुपये के लायक है या नहीं है, बहुत ही है कि नहीं है। इतनी खोखली तो किसी की जिंदगी भी नहीं होती जितने खोखले ये समोसे थे। क्या मजाक है यार, क्या मजाक है। ये समोसा है, समोसा है ये। वेयर इज आलू, आलू कहाँ है, मतलब इस समोसे में आलू ही नहीं है, सिर्फ पापड़ पापड़ दिया है। इतना बड़ा बेवकूफ मेरा किसी ने नहीं बनाया जितना इन दो समोसे ने बनाया। इतनी देर के लिए कभी भी नहीं रुकी हूँ और अभी दोपहर हो गई और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अभी से, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे थोड़े बहुत पंखे लगे हैं बट गर्म हवा की वजह से उनमें से भी इतनी गर्म हवा आ रही है, तो ये बहुत टफ टास्क होने वाला है मेरे लिए। मुझे आसान लग रहा था बट नहीं, बहुत मुश्किल है बॉस, इतनी गर्मी में यहाँ सर्वाइव करना डिफिकल्ट। तो गाइज अभी हम अपने लिए पीने का पानी भरने आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। बट हमने देखा कि हम जहाँ से पानी भरने आए हैं वहाँ पे देखो कितना ज़्यादा लोगों ने गुटखा थूक रखा है। बोलो जुबा केसरी। हमने सोचा था कि चलो हम कहीं आगे से भराते हैं, लेकिन हम चेक करके आए, सबका यही हाल है। बट मजबूरी है, पैसे नहीं है हमारे पास इतने, तो मुझे यहीं से पानी पीना पड़ेगा। पानी भी गाइस देखो कितना कम आ रहा है। तो यार ये पानी पी के तो मेरी जिंदगी के सारे रंग ही उड़ गए। ये पानी उतना ही अच्छा था जितना कि ढींचे पूजा के गाने। रेलवे स्टेशन का पानी इतना खारा है, इतना ज्यादा खारा पानी है कि पिया भी नहीं जा रहा, मतलब सीरियसली लिटरली मेरे को वॉमिट जैसा फील हो रहा है। आज मेरा दिन डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, हर एक सिचुएशन इसको और डिफिकल्ट करती जा रही है यार। पूरे दिन की थकान के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक झपकी ली जाए, पर ट्रेन के इस भारी शोर में ये कहाँ ही मुमकिन था। मैंने सोचा छोड़ो, फोन ही चलाते हैं। तो गाइस सुबह से शाम हो चुकी है और मैं सुबह से वॉशरूम नहीं गई हूँ, बट अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बहुत तेज की सुसू लगा है। बट मुझे नहीं पता रेलवे स्टेशन पे वॉशरूम कहाँ है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वॉशरूम खोजना पड़ेगा, तभी मैं जा पाऊंगी। तो अभी चल के देखते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम है या नहीं है, बट होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो यार वॉशरूम तो मिला, पर वॉशरूम के साथ साथ मिला वॉशरूम में बहता गंदा नाली का पानी। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ बाथरूम जाना तो नामुमकिन है, तो मैंने लगाया अपना एक जुगाड़। बहुत तेज की पी लगा है, बहुत तेज की सुसू आया है, अब मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं उस वॉशरूम में तो नहीं जा पाई थी, बट अभी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, तो मैं ट्राई करूंगी कि वॉशरूम को अगर यूज कर पाऊँ तो कर लूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली गाइस इसी वॉशरूम से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के वॉशरूम तो बहुत गंदे हैं और हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ट्रेन जल्दी से निकले, उससे पहले मुझे बाहर निकलना है इस ट्रेन से। तो गाइस जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे ढल रही थी मेरी एनर्जी और अब टाइम था मेरे डिनर का। तो गाइस 50 रुपये में हमें खाने का तो कुछ भी नहीं मिला रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमने हर जगह जाके दाम पूछा, तो खाने का जो रेट है वो चालू ही 100 रुपये, 110-120 से। तो 50 रुपये में हमें मिला एक पेटीज और एक सैंडविच और एक फ्रूटी, तो हमारा डिनर यही है और हमको यही खा के आज पूरी रात गुजारनी पड़ी थी यहाँ पर। डिनर हमारा हो चुका है, बट डिनर इतना ठीक नहीं था, पेटीज बहुत ज़्यादा बेकार था और सैंडविच में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी एकदम केमिकल की। बस फ्रूटी थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन खाना इतना सही नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं दारू सोऊंगी। खाना खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आराम किया जाए, पर तरह तरह का खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और मेरे पेट में भी जोरों का दर्द चालू हो गया, जिसकी वजह से मेरी नींद भी उड़ गई और मेरी बेचैनी भी लगातार बढ़ रही थी। आयुष चेक करियो, फीवर हो रहा है क्या?
हाँ लग तो रहा है। बॉडी पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ कहीं दवाई मिलेगी? होनी तो चाहिए, एक बार चलो चेक कर लेते हैं। चेक करते आ जा। और फिर हम निकल गए दवाई की तलाश में और बहुत सारी दुकानों पे पूछने के बाद हमें एक ही जवाब मिला। केमिस्ट तो थी यहाँ पे पर बंद हो गई। सुबह 5 बजे तक दवाई नहीं मिल सकते आप। तो यार हमने दवाई बहुत ढूंढी पर दवाई नहीं मिली हमको कहीं भी। बट ठीक है, अब रात भर का टाइम बचा है, कैसे तैसे इसे भी काटने की कोशिश करेंगे, पार हो जाएगा। निशुद्धि उठ जाओ। क्या हुआ? अरे तुम्हें बहुत तेज बुखार है, अब ये खत्म कर दो ये, चलो। अरे मैंने मयंक भैया को भी फोन किया, चलो हो जाएगा यार, छोड़। अरे उठ जाओ। और मेरी बिगड़ती हुई हालत देखकर आयुष ने मयंक को फौरन कॉल करके बुलाया और ना चाहते हुए भी मुझको ये चैलेंज 4 घंटे पहले खत्म करना पड़ा। तो गाइज मेरा चैलेंज तो यहीं खत्म हो गया, पर अब ये आपके हाथों में है। आपको क्या लगता है, मैं ये चैलेंज जीती या हारी? आपको जो भी सही लगे मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और अगर आप इस वीडियो पे पूरे 1,00,000 लाइक करवा देते हो तो मैं बनाऊंगी लिविंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन फॉर 24 आवर्स चैलेंज। सो लाइक कर देना प्लीज गाइज।